हेलो डियर स्टूडेंट स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा काउंटेबिलिटी ऑफ ए सेट, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और ड्यूनुमरेबल या न्यूमरेबल सेट पढ़ा हमने, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। उसके बाद काउंटेबल सेट, आपको पता है काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट की डेफिनेशन बुक में दी हुई है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। जिसको काउंटेबली इनफाइनाइट समझ सेट समझ आ जाएगा, वो काउंटेबल अनकाउंटेबल हर एक चीज़ उसके माइंड में समझ आ जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे काउंटेबल सेट क्या होता है, एक काउंटेबल सेट, अगर कोई भी तुम्हारा ए सेट है उसको हम काउंटेबल तब कहेंगे अगर वो क्या हो, या तो वो फाइनाइट सेट हो या फिर क्या हो, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो। मतलब जैसे एग्जांपल 1, 2, 3, 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब कहने का मतलब या तो वो फाइनाइट हो या क्या हो, काउंटेबली इनफाइनाइट हो। मतलब नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, या ये होंगे या ये होंगे, वो दोनों, मतलब उस केस में हम बोलेंगे ये कौन सा सेट है, काउंटेबल सेट। तो ये नहीं हम कह सकते काउंटेबल सेट को, सिंपली ये नहीं कह सकते कि जो फाइनाइट सेट होता है वो काउंटेबल होता है, नहीं, दोनों होंगे, या तो ये कंडीशन होगी या ये, तब दोनों कंडीशन चॉइस, मतलब एस दोनों कंडीशन गिवन होंगी तब हम कह सकते हैं कि क्या है, ये काउंटेबल सेट है, और अदरवाइज वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। मतलब जो इनसे भी बड़ा हो, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ एन, ठीक है ना, तो वो अनकाउंटेबल सेट में कह आएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब हमें प्रूफ करना ये है, मैं उस दिन आपको बता चुका था कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो ड्यूनुमरेबल सेट होते हैं, ठीक है ना, मतलब इक्विवेलेंट टू, सेट ऑफ इंटीजर इक्विवेलेंट टू एन होता है, ठीक है ना। और ये भी बता चुका था ये इक्विवेलेंट होता है एन क्रॉस एन के, मतलब ये भी क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, मतलब ड्यूनुमरेबल सेट है। ये भी क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, मतलब ड्यूनुमरेबल सेट। अब बात करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर की, कि प्रूव दैट, इधर आपको एग्जांपल भी है बुक में कि प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ ड्यूनुमरेबल सेट। ड्यूनुमरेबल सेट मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट मतलब कि जो सेट क्या हो, इक्विवेलेंट हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। मतलब प्रूफ करना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर को हम लेबल कर सकें। भाई मैंने काउंटेबली इनफाइनाइट सेट आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बता चुका हूँ कि इक्विवेलेंट के लिए हम, मतलब ये है कि हम क्यू के हर एक एलिमेंट को लेबल कर सकें एज अ सेट ऑफ, एज अ नेचुरल नंबर में, एज अ मतलब नेचुरल नंबर के हिसाब से लेबल कर सकें, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या है, ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जिसको प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिस स्टूडेंट ने, वो पहले वो वीडियो देख ले, फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो देखिए, उसमें मैंने आपको एक कैंटर्स डायगनल प्रोसेस समझाया था, आप उस कैंटर डायगनल प्रोसेस से ये बता सकोगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। कहने का मतलब वो क्या है, ड्यूनुमरेबल सेट है। अब इसी सेट ऑफ क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर की एग्जांपल एक बुक में भी है सॉल्व की हुई ऑलरेडी, अगले मतलब 2-3 पेज आगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप वो प्रूफ करो, और आपकी मर्ज़ी है जो ये मैं बताने जा रहा हूँ डायगनल प्रोसेस वाला, ये प्रूफ करो, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ भी देता है कि प्रूफ करो सेट ऑफ रैशनल नंबर ड्यूनुमरेबल है, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ डायगनल कैंटर प्रोसेस से प्रूफ करो, या कैंटर्स डायगनल प्रोसेस से प्रूफ करो। तो उस केस में फिर आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो है एक्चुअली में एक ही चीज़ है, इसमें भी जब हम बताएंगे तो फंक्शन वैसा ही डिफाइन होगा जैसे हम आगे प्रीवियस एग्जांपल में करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको उस दिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बताया था कि एन क्रॉस एन का मतलब है कि इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। जैसे कि 1 को पहले इसके सारे एलिमेंट के साथ ले लो, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ठीक है ना। फिर इसका 2 और उसके सारे, 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, ठीक है ना। तो फिर इसको किस हिसाब से डायगनली हम कट करते थे, देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ से जाता है इधर, इधर से फिर डायगनली आता है, क्यों, क्योंकि इनका जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका प्लस क्या है, 2 और प्लस 1, 1 प्लस 1 2,
टू के बाद थ्री आएगा, टू प्लस वन थ्री, तो थ्री के बाद इधर तो थ्री नहीं बन रहा, तो उसके बाद इधर जा रहा है दो और एक तीन, तो तीन के बाद जाहिर सी बात है फोर बनेगा, तो फोर कहाँ पे बन रहा है, ये तीन और एक चार, फिर दो दो चार, फिर तीन और एक चार, अब हमें जाहिर सी बात है फोर के बाद क्या आने वाला, फाइव, तो फाइव कैसे आएगा, थ्री और सॉरी थ्री के बाद फोर आने वाला है, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव आने वाला है, तो फाइव आने वाला, तो इट मीन्स इधर होगा वन फोर, ठीक है ना, तो उसके साथ जाएगा फिर इधर इधर इस तरीके से, ठीक है ना। तो मतलब हम इस सेट को, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट को हम एक लेबल करते जा रहे हैं, मतलब ये पहले नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, ये छठा नंबर, इस तरीके से एज अ लेबल कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के हिसाब से। जैसे कि इनका प्लस करो तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इट मीन्स हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल रही है जिस सीक्वेंस में हम बता सकें कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, एट आएगा, नाइन आएगा, अप टू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, लेकिन हम ये बता पा रहे हैं कि इसके नेक्स्ट में क्या आने वाला है। जब हम ये चीज़ बता सकें कि नेक्स्ट सीरीज सीक्वेंस, इस सीक्वेंस, इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है, तो उस वैसे वाले सेट को हम कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो सिमिलरली अब हमें बताना है क्या, सेट ऑफ रैशनल नंबर को बताना है ड्यूनिवरेबल है। तो आपको मैं पहले डेफिनेशन बता दूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर की, डेफिनेशन तो सबको पता है ना, मैं रिवाइज कर देता हूँ, इस तरीके की होती है, जो क्या हो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में होता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और पी और क्यू क्या है तुम्हारे, इंटीजर्स है, ठीक है, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। अब सिमिलरली इसको अनदर डेफिनेशन हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि पी अपॉन क्यू इस तरीके से हैं, सच पी क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स से, और क्यू क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में होता है, लेकिन डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता, तो इट मींस जो भी होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, पॉजिटिव मतलब ज़ीरो वन टू थ्री फोर अप टू सारे, तो इट मींस वो सारे उनको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, इट मींस हम ऐसे डेफिनेशन को ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि पी तो इंटीजर होगा क्योंकि इसमें सारे इंटीजर आएंगे, ज़ीरो भी आ सकता है, माइनस वन भी, प्लस वन भी, टू भी, थ्री भी, माइनस वाले भी सारे आ सकते हैं, इट मींस पी तो इंटीजर होगा लेकिन क्यों क्या है नेचुरल नंबर, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर ये चीज़ कहती है। अब सिमिलरली इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, अनदर डेफिनेशन इसकी ये भी तो बना सकता हूँ कि क्यू की डेफिनेशन ये होती है पी और क्यू, भाई इस पी अपॉन क्यू का मतलब ये होता है कि उसका ऑर्डर्ड पेयर पी और क्यू, तो यहाँ से क्या है इसका मतलब क्या है, पी सेट ऑफ इंटीजर है और क्यू क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू है वो क्या है, Z और N का कम्बिनेशन है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना, Z और Q का क्रॉस प्रोडक्ट है। अब Z की मैंने बोला था कि ये सिमिलर है टू N है, ये ड्यूनिमरेबल है, मतलब इसकी भी कर्नेलिटी क्या आएगी एल्फ नाट, और इसकी कर्नेलिटी क्या आ रही है एल्फ नाट, और एल्फ नाट मल्टीप्लाई एल्फ नाट किसके बराबर होता है एल्फ नाट के, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इट मीन्स यहाँ से ये पता लग रहा है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर की कर्नेलिटी भी क्या है एल्फ नाट, और सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी अपन क्यू की फॉर्मेट में, या पी अपन क्यू की फॉर्मेट में ना लिखें उसको ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। इसकी अनदर डेफिनेशन होती है कि उसके बाद हम ऑर्डर पेयर में भी दिखा सकते हैं। अब नाइन्थ और टेंथ का लेवल नहीं ना कि आप क्यों रैशनल नंबर की डेफिनेशन वही पढ़ोगे पी अपन क्यू, पी अपन क्यू, वो नहीं। अब आपको थोड़ा ऊपर आए हो, ऊपर आकर थोड़ी अनदर डेफिनेशन भी आपको सीखनी चाहिए कि सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए इसका मतलब ये है, इस तरीके से मैंने क्यों डिफाइन की, क्योंकि मैं आपको डायगोनल कैंटर प्रोसेस बता चुका हूँ एन क्रॉस एन के लिए। तो सिमिलरली एन क्रॉस एन क्या था, वन कामा वन, फिर वन कामा टू, वन कामा थ्री, ऐसे था ना। तो क्या इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वन अपॉन वन, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन फोर, सिमिलरली टू अपॉन वन, टू अपॉन टू, टू अपॉन थ्री, टू अपॉन फोर, तो इस तरीके का एक फॉर्मेट बनता जाएगा आपके पास, और आप उसको फिर डायगनली कट कर सकते हो। ये देखिए इसको और इसको जोड़ो, एक और एक दो, दो और एक तीन, दो और एक तीन, फिर तीन के बाद चार आएगा, दो और दो चार, तीन और एक चार, ठीक है ना, इस तरीके से तीन और एक चार, मतलब ये ऐसे जाएगा ऐसे, फिर डायगनली कट होगा, फिर इधर जाएगा फिर ऐसे, फिर इधर जाएगा फिर ऐसे, ठीक है, डायगनली कट होता जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इट मीन्स
हम इसको ऐसे भी, या तो ऐसे भी मतलब ऑर्डर पेयर को हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, अगर ऑर्डर पेयर में नील भी लिखना चाहें आप इसको ऑर्डर पेयर वाला याद रखें कि वन कामा वन होता है तो इट मीन्स वन अपॉन वन, वन कामा टू होता दूसरा तो इट मीन्स वन अपॉन टू रैशनल नंबर में आएगा। ऐसे ही ऑर्डर पेयर में वन कामा थ्री होता तो उसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या आएगी, वन अपॉन फोर, ठीक है। फिर उसको डायगनली आप जैसे उसमें जोड़ा था ऐसे ही इसको जोड़ सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो फिर उस हिसाब से आपके पास एक सेट बनेगा, आपके पास एक ऐसा सेट बनेगा भाई, किस तरीके से टू जब उनको जोड़ने के बाद, ठीक है ना, या आप अगर उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, पी और पी अपॉन क्यू मतलब जो वन अपॉन वन आया था ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्लस ही करो, आप उसको माइनस भी कर सकते हो। इट मीन्स ऐसा आएगा ज़ीरो वन, मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर, जो सेट ऑफ इंटीजर निकालूंगा ना मैं, सेट ऑफ नंबर नेचुरल नंबर जो निकालूंगा इसमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो वो निकलेगा वो क्या है, वो ऑर्डर पेयर में, तो ऑर्डर पेयर में हम प्लस करते हैं तो इट मीन्स इनको प्लस करेंगे वो ऐसा निकलेगा टू थ्री फोर फाइव अप टू सिक्स। और सेट ऑफ रैशनल नंबर अगर जब हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, इसी इसी का मतलब, इसी फॉर्मेट का मतलब ये है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर ऐसे बनेगा ज़ीरो वन माइनस वन माइनस टू, या ज़ीरो वन वन फिर टू टू, या माइनस वन माइनस टू, इस तरीके से एक फॉर्मेट बनता जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि ये क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो एरोज़ दिए हुए हैं, जो एरोज़ मतलब बनेंगे ना वन अपॉन, ये फॉर्मेट बनेगा आपके पास भाई। एक बार देखिए स्टूडेंट, जिसको परेशानी है ना वो प्रीवियस लेक्चर देखे, ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। जैसे कि वन अपॉन वन आएगा, फिर उसके बाद टू अपॉन वन, फिर थ्री अपॉन वन, ठीक है ना, इस तरीके से चलता जाएगा, फिर वन अपॉन टू, फिर टू अपॉन टू, थ्री अपॉन टू। तो ये जो एरोज़ है ना, ये डायगनली एरोज़, तो ये इनका मतलब ये है कि एडिशन ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये है कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन, और हर एक फ्रैक्शन के लिए, तो वो आपके पास ऐसा आता जाएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू सो ऑन, ठीक है ना। और जब हम इसको एज अ सीक्वेंस में लिखेंगे, तो एज अ सीक्वेंस में लिखेंगे तो उस केस में आपके पास क्यू की सीक्वेंस ऐसे बनती जाएगी, मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर की सीक्वेंस ऐसे बनती जाएगी, एस वन एस टू एस थ्री के नाम से दे रहा वो, तो क्लियरली जब अब इनको माइनस करेंगे तो इस किस्म का आता जाएगा ज़ीरो, फिर माइनस वाली टर्म आएगी, फिर प्लस वाली आएगी, फिर माइनस वाली, फिर प्लस वाली, फिर माइनस वाली, फिर प्लस वाली, इस तरीके से एक सीक्वेंस बनती जाएगी आपके पास। और उस तरीके से फिर वहाँ से आप लोग कह सकते हो कि थस द सेट ऑफ रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट, क्योंकि क्यू जो है ना वो क्यू की जो सीक्वेंस क्या बन रही है, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, इस तरीके से बन रही है। तो आप कह सकते हो कि ये जो भी रैशनल नंबर की सीक्वेंस जो बन रही है ये क्या है, एज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। और जब ये चीज़ आ जाएगी आपके पास तो इट मीन्स हम डिफाइन कर सकते हैं एक बाइजेक्शन मैप। बाइजेक्शन मैप कहाँ से कहाँ तक, एफ से एफ ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर से क्यू तक एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि सच दैट एफ ऑफ वन क्या है, तुम्हारा ज़ीरो है। और फंक्शन किस पे डिफाइन होगा, इस पे कि एन अपॉन टू होगा जब एन क्या होगा, इवन होगा, और एन माइनस वन अपॉन टू होगा जब एन क्या होगा, तुम्हारा ऑड होगा। तो यहाँ से आप इस फंक्शन में वैल्यू डाल के देख लो तो आपके पास ऐसी वैल्यू होती जाएगी, जब मैं वन डालूँगा तो वन माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर फोर आएगा, फिर फोर आएगा, फिर फाइव आएगा, मतलब इस तरीके से वन के बाद वन, फिर टू दो बार, फिर थ्री, फिर फोर फोर, फिर फाइव फाइव, फिर सिक्स सिक्स, फिर सेवन सेवन, फिर एट एट, मतलब इस तरीके से एक सीक्वेंस बनती जा रही है, जिस सीक्वेंस का हमें मतलब पता लग रहा है कि इस स्टेप के बाद क्या आने वाला है, इस स्टेप के बाद क्या आने वाला। तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो, मतलब जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो इक्विवेलेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो जो है वो क्या है, ड्यूनमरेबल सेट है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बुक में भी ऑलरेडी लिखा हुआ सारा कुछ, आप लोग बुक से भी देख सकते हो। और जिसको ये प्रोसेस, डायगनल प्रोसेस नहीं समझ आता वो दोबारा से ट्राई करे, और जिसको ये इनफाइनाइट सेट या काउंटेबली समझ नहीं आ रहा वो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखे, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, तो इतना ही रखते हैं आज। तो देखिए एक
थ्योरम करनी थी मैंने आज, एक पहला क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज का वो आज करवाना था, लेकिन लेक्चर लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, तो यही एक ही रखे। अब इसी तरीके से इस सेट ऑफ रैशनल नंबर का प्रूफ एक और वे में भी लिखा हुआ आपके पास बुक में, एग्जांपल नंबर 3 देखिए, एग्जांपल नंबर 3 में भी इसका प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप उस तरीके से भी, वो तरीका वो मेथड भी लगाकर इसका प्रूफ कर सकते हो कि वो ड्यूनमरेबल सेट है। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या है? ड्यूनमरेबल सेट है। तो बुक में भी ऑलरेडी सॉल्व है, तो इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आज मैंने करवाना था, लेकिन फिर लेक्चर समझ लंबा हो जाएगा, फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा समझना, ठीक है ना स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट।